वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो मॉर्निंग का देखिए, आज मैंने राजमा रेसिपी शेयर की है। और ये देखिए, मेरा यहाँ बन रहा है घी, मक्खन से जो घी निकालते हैं, तो वही पका रहे थे। तो देखना, क्योंकि आज पूरे दिन का डेली रूटीन ब्लॉग मैंने शेयर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर देना। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ज़रूर। और जो भी पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को। ये देखिए, मेरे बन रहे हैं राजमा। तो मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। और ये देखिए, प्याज और टमाटर कट कर, वो लहसुन अदरक छील लिया है, एक प्याज कट कर ली है। और इसमें सबसे पहले देखिए, एक चम्मच के करीब जीरा डालेंगे। और सबसे पहले इसमें प्याज और इसमें चाहे तो खड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, बट मैं इसमें पिसा हुआ डालूंगी। और देखिए, मैंने सबसे पहले प्याज डाल दी है। तो प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करना है ताकि ये गल जाए। तो इसको गलने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और तब तक लहसुन और अदरक को भी कूट लेंगे, क्योंकि उसका एकदम वैसे बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा हल्का सा दरदरा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए, प्याज हो रहे हैं मेरे फ्राई। तब तक ये देखिए, मैंने ये बना लिया था लहसुन और अदरक का पेस्ट, तो ये भी डाल देंगे। और इस अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं अगर आप लोग, तो इसमें अभी इसी टाइम दो या एक हरी मिर्च डाल सकते हैं। और देखिए, मैंने दो टमाटर ले लिए, तो इसकी प्यूरी बना लेंगे। और इसके बाद देखिए, इसको फ्राई, क्योंकि इसको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए, दो मिनट हो गए थे और देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे। तो मसाला देखिए मैंने कौन कौन से डाले हैं। तो इसमें एक देखिए बड़ी चम्मच से मैंने ये धनिया पाउडर डाल दिया है, क्योंकि धनिया पाउडर से ज़्यादा अच्छे से ग्रेवी बन जाती है। तो धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाला है, तो सबसे बड़ी चम्मच होती है उसी से मैंने देखिए एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। उसके बाद इसमें देखिए तीखी लाल मिर्च डालना है, तो तीखा मैंने कम डाला है। देखिए, सबसे छोटी चम्मच है उससे मैंने एक छोटी चम्मच ये तीखी वाली लाल मिर्च डाली है। और इसको चलाते रहिएगा, क्योंकि ये सूखे मसाले हैं तो जलने लगते हैं। और गैस का फ्लेम एकदम कम देना ताकि ये बिल्कुल जले ना मसाले। और देखिए, जो मीडियम वाली चम्मच आती है तो उससे किचन किंग मसाला है, तो वो डाल देंगे। उसमें थोड़ा हल्का सा खट्टापन सा रहता है, इसलिए उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, एक मैंने चम्मच मीडियम वाली चम्मच से एक चम्मच मसाला डाल दिया है। और इसको अच्छे से, मतलब बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर देखिए तेल में पक रहा है। उसके बाद ये टमाटर की प्यूरी बना ली है, तो ये भी डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और ये देखिए, मैंने कश्मीरी मिर्च ली है जिससे कलर अच्छा आ जाता है, क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं उबलने के बाद। और इसकी पूरी फुल वीडियो मैंने इससे पहले एक शेयर कर दी है, तो चाहें तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फुल रेसिपी, क्योंकि इसका मैंने उबालना नहीं दिखाया है, उबाल लिया था उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। तो इसको रात भर मैंने भिगो कर रख दिया था और सुबह 5-6 सीटी करके इसको उबाल लिया है। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था राजमा उबालते टाइम, तो मेरे अच्छे से राजमा एकदम अच्छे उबल गए हैं। तो आप लोग देखिए, मैंने निकाल के आप लोगों को दिखाए हैं, तो देखिए कितना अच्छे से उबल गए हैं। देखा, हाथों से मैश करते हैं तो इस तरह से हो जाते हैं। और उसी का ये पानी है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा काला सा पड़ जाता है, इसीलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। क्योंकि सब्ज़ी जब थोड़ा लाल लाल सी दिखती है तो ज़्यादा अच्छा, जब सब्ज़ी देखने में अच्छी लगती है तब खाने में भी अच्छी लगती है। क्योंकि जो भी खाते हैं तो पहले देखते हैं सब्ज़ी का कलर कैसा है, फिर टेस्ट तो बाद में करते हैं। तो देखिए, मसाला अच्छे से पक गया है। और उसके बाद ये देखिए, मैंने इसमें राजमा डाल दी है। और जो पानी रहता है, बिल्कुल कम पानी डाला था, तो पानी भी डालता है साथ में ही। उसके बाद इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से राजमा में सारा मसाला अच्छे से चला जाए। तो देखिए, इसको 2 मिनट के लिए ढककर बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। और देखिए, इसके पकने से ये तेल पूरा मतलब ऊपर आ जाता है। तो उसके बाद इसमें चाहे तो आप इस तरह से ही बना सकते हैं। और थोड़ा मैंने इसमें पानी डाल दिया था, पानी डालने से थोड़ा अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। तो देखिए, मैंने आधा कटोरी पानी डाल दिया था और अच्छे से खोल भी गई है सब्ज़ी। और इसमें एक मैजिक यही है, ये मैगी मसाला का एक पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि मैगी मसाले में सारे
मसाले रहते हैं, गरम मसाले, लौंग, इलायची और सब कुछ रहता है, इसलिए उस एक पैकेट डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। मैंने इसको 5 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाया है और देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी मेरी बनके तैयार हुई है। और देखिए प्याज मैंने कटी हुई डाली थी लेकिन बिल्कुल गल गई हैं प्याज। तो देखिए इसी तरह आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत जल्दी से बन जाती है राजमा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया है बिना फुलाए राजमा कैसे बनाते हैं, तो उसकी वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए मैंने सब्जी को एक बाउल में निकाल लिया है और थोड़ा ठंडी हो गई है, उसके बाद इसमें धनिया भी डाल दी है। और देखिए मेरी राजमा की सब्जी कितनी अच्छी बन के हो गई तैयार। तो चाहे आप चावल, रोटी, पराठा किसी के साथ भी खाइए, इसकी ग्रेवी भी इतनी अच्छी है क्योंकि चावल के लायक बहुत अच्छी रहती है। चावल में खाने के लिए थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा होना चाहिए। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना। और उसके बाद देखिए दिन में ये सम्राट विराट की देखिए क्या मस्ती चल रही है, विराट क्या बना रहा है, कौन सा खेल खेल रहे हैं और खेल रहे हैं, तो उसी का देखिए। सम्राट आप क्या कर रहे हैं, दोनों की मस्ती देखिए कौन सा खेल खेल रहे हैं। चलो बाय करो सभी लोगों को। हेलो फ्रेंड, तो देखो इसके सामने देखो, हेलो बताओ क्या बनाया। साइकिल ट्रेन, साइकिल ट्रेन बनाई है आपने। अरे वाह, स्पेशल ट्रेन है साइकिल ट्रेन इनकी। चलो सबको बताओ। देखो ये वाली है। हाँ। देखो देखती है इधर उधर। अच्छा इधर उधर उधर उधर। चलो बाय करो अब सबसे। अब बाय करो। बाय। चलो विराट आपसे तंग कर रहा है, उसका वीडियो नहीं बना रहा है। बाय करो सबको। तो ये देखिए ये बन रही है मेरी इडली, बन गई है। मैंने ये सूजी और दही और इसमें प्याज वगैरह जो कुछ सब्जी हो वो डालती हैं। और इसको बना के क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की है, बस इसको फ्राई करना बताएंगे। और देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी जाली वाली बनी हुई है। तो ये शाम का मतलब नाश्ता है, अभी 4-5 बजने वाले हैं, तो अभी चाय बन गई है और इडली फ्राई करना है। तो देखिए इसको इस तरह से भी खा सकते हैं लेकिन इसको फ्राई करके और ज़्यादा अच्छा टेस्ट बढ़ेगा। तो देखिए चलिए चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। और इसको बनाया है मैंने, एक कटोरी सूजी ली थी और आधा कटोरी इसमें दही डाल दिया था और इसमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, नमक बस इतना ही डाला है। और थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए इनो डाल सकते हैं या तो इसमें सोडा डाल सकते हैं, तो मैंने सोडा डाला है। और सोडे से देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है और बहुत अच्छी इडली मेरी बन के तैयार हुई है। अब इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए एक कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। तो देखिए इडली फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, उसके बाद ही मैंने तेल डाला है। देखिए तेल डालते ही धुआं निकल रहा है, तो ज़्यादा अच्छे से कढ़ाई गर्म कर लेते हैं, उसके बाद ही अगर तेल डालते हैं तो जल्दी से गर्म हो जाता है। तो देखिए सरसों का तेल ही डाला है, चाहे तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं या घी में भी, लेकिन तेल में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने आधी चम्मच इसमें सरसों के दाने लिए हैं, ये काली सरसों, और ये आधा चम्मच ही मैंने देखिए जीरा लिया है। उसके बाद ये देखिए 4-5 डंडल मैंने करी पत्ते के लिए है। करी पत्ते से इसका सबसे ज़्यादा मतलब टेस्ट करी पत्ते से ही आता है, तो करी पत्ते ज़रूर ही डालें आप लोग। तो देखिए मैंने करी पत्ते डाल दिए और इसको अच्छे से थोड़ा 1 मिनट तक फ्राई करना है पत्तों को, ताकि ये पत्ते अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। जब ये क्रिस्पी हो जाते हैं तो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए इसको थोड़ा हल्का सा चला लीजिए, जब ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए उसके बाद ही इसमें कुछ और डालना है।
तो ये देखिए मेरे कितने अच्छे और इसका कलर भी अच्छा से देखिए चेंज हो गया है। और इसी टाइम इसमें हल्दी डाल देंगे ताकि हल्दी अच्छे से पक जाए और जब इडली डालेंगे तो उसमें अच्छे से पूरे में कवर हो जाएंगी। तो देखिए इडली मैंने इसमें डाल दी है और देखिए हल्दी डालने से देखिए कितने अच्छा कलर आ जाता है। तो और बाकी के मसाले इसी टाइम डालेंगे, अगर मिर्च वगैरह उस टाइम डाल देते हैं तेल में तो वो जलने लगती है। और देखिए एक चम्मच मैंने इसमें मसाला डाल दिया है, उसके बाद इसमें थोड़ी सी देखिए लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इससे कलर आता है, तीखा कम रहती है इसलिए डाल दी है। तो इसको अच्छे से देखिए फ्राई करेंगे तो देखिए बिल्कुल कम तेल का ये नाश्ता है और झटपट से ही बन जाता है। इसको बनाने में 10 ही मिनट लगते हैं, बस इसको 10 मिनट के लिए फुलाकर रखना पड़ता है और ये 10 मिनट में ही बन जाती है, क्योंकि इडली के स्टैंड में आप 10 मिनट लगाकर रखिए और बहुत जल्दी से ही बन जाती हैं। तो बाकी देखिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा सा काला नमक भी डाल दिया था, काले नमक से अच्छा टेस्ट आता है, चाहे तो एक मसाला वाला नमक आता है तो वो भी डाल सकते हैं मैंने, बट इसमें काला नमक डाला है और सादा नमक डाला है क्योंकि पहले से ही डला है, बट थोड़ा ऊपर से डाल देते हैं ताकि मसाले से अच्छे से कोट हो जाए। और इस तरह से देखिए इस तरह से चलाते जाइए ताकि मसाला सब इडलियों में अच्छी तरह से लग जाए। देखिए मेरी मसाला इडली बन के तैयार हो गई है और देखिए सूजी का हेल्दी नाश्ता है और जल्दी से ही बन जाता है। और उसके लिए देखिए मैंने चटनी बनाई है, तो मेरे पास कच्चा नारियल नहीं था, मेरे पास सूखा वाला, तो उसको मैंने छोटे टुकड़ों करके उबाल लिया है। तो उबलने के बाद वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद उसकी चटनी बना लेंगे, क्योंकि हर घर में कभी मतलब कच्चा नारियल रहता है नहीं रहता है तो चटनी कैसे बनाए। तो सूखे नारियल की भी चटनी बहुत टेस्टी बनी थी मेरी, तो उसके लिए मैंने इसमें चटनी की रेसिपी भी मैंने कई बार शेयर की है। तो इसमें देखिए मैंने हरी धनिया, करी पत्ते और अदरक और नमक डाल के इसकी देखिए चटनी बना ली है। उसके बाद इसमें तड़का लगाएंगे, तो तड़का देखिए मैंने किस तरह है तड़का में, तो देखिए मैंने इसमें जीरा और थोड़ी सी काली सरसों डाली है और करी पत्ते से देखिए इसका तड़का भी लग गया है। और मैंने इसमें पूरा नहीं दिखाया क्योंकि मैं कई बार ही चटनी का वीडियो डाल चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने बस थोड़ा सा ही दिखाया है। और ये देखिए मेरी मसाला इडली बनके हो गई है तैयार। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मेरी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, जो भी पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए मेरी मसाला इडली कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई हैं।